जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जो साथियों हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न उनमें से हमेशा पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस बार भी हम 15 ऐसे प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं जो साथियों आपके सभी परीक्षाओं में, यूपी टेट में खासकर और सुपर टेट में हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से छप जाते हैं। तो उम्मीद है आपको साथियों वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि पिछली वीडियो पर आपने काफ़ी अच्छा खासा प्यार दिया था, तो इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। साथियों, पहला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा साथियों? वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। तो हिंदी साहित्य के जो प्रश्न बनते हैं, इसी तरह के प्रश्न आपके यूपी टेट में खासकर बनते हैं, और इसी तरह से कुछ प्रश्न सुपर टेट में भी आते हैं। आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। और चारण काल आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आरंभिक काल को वीर गाथा काल आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, सिद्ध सामंत काल आपका राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, और चारण काल आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। क्या? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। तो कौन है कविता के रचयिता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है वीरों का कैसा हो बसंत इसके रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र ये साथियों इसकी रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ साथियों नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर दे दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण कवि की बात की जा रही है, तो साथियों जो भूषण थे वो साथियों वीर रस के कवि थे। किसके? वीर रस के कवि थे। ठीक है, चलिए अब वीर रस का साथियों अस्थाई भाव क्या होता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि साथियों किसको माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयंभू को। स्वयंभू को साथियों हिंदी का आदि कवि माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो साथियों आपके बालकृष्ण भट्ट थे, और ये एक पत्रिका थी, तो इसके संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट थे, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साथियों एक एक प्रश्न जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा, बोरिंग महसूस ना करिएगा, क्योंकि ये साथियों साहित्य का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा अच्छा कम लगता है, लेकिन यहाँ से नंबर अच्छे खासे आपके बनते हैं। यहीं से साथियों सब लोग नंबर नहीं बना पाते हैं, ठीक है, तो जो इन सब में अपना नंबर बना लेता है उसके लिए साथियों ये बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? जो माधुरी पत्रिका था उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपका लखनऊ से। तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? लखनऊ से होता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो हिंदी नवजीवन के संपादक साथियों गांधी जी थे। कौन? हिंदी नवजीवन के संपादक गांधी जी थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, गांधी जी हिंदी नवजीवन के संपादक थे। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण पत्रिका, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के ये साथियों संपादक थे। कौन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, हरि नारायण की कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। हरि नारायण पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? हरि नारायण कहानी पत्रिका के संपादक, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कथा देश। क्या? कथा देश आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सदल मिश्र। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा में आया है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो नासिकेतोपाख्यान आपका सदल मिश्र है, और रानी केतकी की कहानी आता है इंशाअल्लाह खां, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? क्या? नहीं है पूछा है, महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? पथ के साथ ही किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। मेरा परिवार किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। और जो ये पंचरत्न लिखा है, पंचरत्न ये किसका है नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये साथियों महादेवी वर्मा जी का नहीं है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा पंचरत्न, ये महादेवी वर्मा का नहीं है, बाकी तीनों आपका महादेवी वर्मा का है। एक होता है पंचतंत्र, एक होता है पंचतंत्र, ये साथियों आपका विष्णुगुप्त का है। किसका? विष्णुगुप्त का है, तो इसका जो है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपके देवकी नंदन खत्री हैं। किसके? आपके चंद्रकांता
के लेखक जो कि चंद्रकांता क्या है, एक उपन्यास है, और इसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? तो आपका गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी जो है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, जासूसी उपन्यास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, तो उम्मीद है आपको अच्छा खासा जो जानकारी यहाँ से प्राप्त हुआ होगा। तो ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो शेखर एक जीवनी साथियों आपका है उपन्यास है, क्या उपन्यास है, और ये किसकी रचना है नीचे कमेंट करना ना भूलें अगर आपको आता है तो। शेखर एक जीवनी आपका किसका है नीचे कमेंट करिएगा, और ये साथियों जो है शेखर एक जीवनी ये साथियों उपन्यास है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी UPTET परीक्षा में बनते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।